खबरासान.com और चलते हैं देश से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप फिर बोले, मैं मध्यस्थता को तैयार। विक्रम विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट सऊदी अरब में बैठे हैकर ने हैक कर ली है। वेबसाइट के रिजल्ट के पेज को हैकर ने अपना शिकार बनाया है। साइट खोलने पर डॉन और सऊदी अरब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मंगलवार रात से शुरू हुई मुठभेड़ बुधवार सुबह तक चलती रही। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बारामूला क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए हैं। देश आर्थिक मंदी की चपेट में आता जा रहा है। उद्योगों की हालत पतली होती जा रही है। लगातार घाटा होने से कई उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, तो कई उद्योग प्रबंधनों ने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ईडी और सीबीआई के डर से विदेश ना भाग जाएं, पी चिदंबरम लुकआउट नोटिस जारी कर 2 घंटे में पेश होने के आदेश दिए। भारतीय इकोनॉमी में मंदी का असर अब भारत की प्रसिद्ध बिस्किट निर्माता कंपनी पार्ले को भी झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते अब इस कंपनी के 10,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। दरअसल उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा था। इसी के चलते बुधवार को एक हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री भेजी जा रही थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पी चिदंबरम के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी भी चिदंबरम के बचाव में उतरे और बोले कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर के निधन के बाद पीएम मोदी बोले, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे बाबूलाल गौर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में राहत मिलती नहीं दिख रही है। पी चिदंबरम लापता हैं और नहीं मिल रहे हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।